आज हम बात बेबो की कहानी देंगे, जो बेबो की इतने दिन से है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना नहीं था। जैसे ईद शुरू थी तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। जैसे मुझे पता चला, कुछ तो मैं अपने कामों में बिजी थी, जब मुझे पता चला है कि वो उसके साथ हादसा हो गया, तो वो भी मैंने ब्लॉग में देखा है। जब मैंने देखा था मैंने कहा चलो मैं फ़ोन करके पता करती। मैंने फ़ोन करके पता किया तो उसका वाकई उसके साथ हादसा हो चुका था, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ उसके हादसे पे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि घर में ये जैसे ईद आई घर में गेस्ट भी थे, वो कुर्बानियाँ भी करनी थी। ऐसे मैंने कहा चलो ज़रा मैं इजी होके फिर बात करूँगी। आज मेरी दोस्त भी आई है कि हम दोनों मिलके डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। तो पहले आप लोगों को सबको आज तीसरा दिन है ईद मुबारक। जो हज पे गए हैं उन लोगों को भी हज मुबारक। वो खरीयत से गए और खरीयत से वापस अपने बच्चों के पास घर में आए। तो हम आज करेंगे, ये शाजिया खान आई आज मेरी दोस्त, तो आज हम करेंगे इसके साथ डिस्कस बेबो की, यानी कि बेबो की क्या कैसे हुआ, बेबो के साथ क्या हुआ। हाँ भाजी, क्या हुआ था बेबो? बेबो के साथ कहती है मैं घर में बैठी हूँ, उसके पास किसी ने एप्लीकेशन पहले की दी हुई थी। अच्छा, पहले जब इसका अपराध चल रहा था। अच्छा, तो ऐसे कहती बंदे आए हैं सिविल कपड़े में आए, तो वो मुझे नहीं गए। अच्छा, तो वो ले गए। फिर बेचारी दो तीन दिन का कहती है कि वो ना पीछे उसकी बांधी जो है वो डालती रही है, उसके वो जो है ना वो डालती रही है। तो वो उसका पता नहीं चला। मैं तो खुद ही बिजी थी, मैंने तो इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं फोन करके वो खबर लेती या बात करती। तो जब मैंने फोन किया मुझे पता चला, मैंने भी ब्लॉग में देखा मुझे पता चला, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये शमीम ने अगवा कर रही है। अच्छा, क्योंकि मेरे मेरे ब्लॉग में कमेंट भी आए हैं और उसके भी ब्लॉग में कमेंट आए हैं। अच्छा, कि मैं गई थी सरगोधा में। अच्छा, तो वो कहती है कि उधर वो सरगोधा कोई ऐसे बंदों के साथ खड़ी थी, तो उसने ना वो तो मेरे बच्चे हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे कोई अपने रपड़े होते हैं, वो सारे मेरे बच्चे हैं। तो वो उन लोग उसकी शादी थी, मैं उसकी शादी पे गई थी, उसको मुबारक देने के लिए गई थी, शादी पे गई थी। तो ऐसे कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने ये बोला है कि वो ना शमीम ने उसको अगवा करा दिया है। शमीम जब किसी के साथ करती है ना, तो वो सामने सामने लड़ती, शमीम ऐसे नहीं करती, पीछे से बात नहीं किसी को कहती भी यहाँ, तो मुंह पे ही कहती है, मुंह पे कहती, पीछे नहीं कहती है। हाँ जी, हाँ पीछे मैं बात भी नहीं करती, किसी के खिलाफ बात भी नहीं करती। मैंने सामने, ये जिसको पता है ना उन लोगों को पता है कि मैं सामने बात करती पीछे नहीं करती। तो उसके साथ ये हादसा हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि उसके साथ ऐसे हादसा हो गया है। तो अभी देखो आगे, अभी उसकी वो एप्लीकेशन है, पता नहीं उसने दी है, मैंने जो पता यही चला है कि उसने आगे फिर वो पता नहीं उन लोगों ने बुलाया था, ये नहीं पता कि उसका आगे मसला क्या निकलता है। वरना अच्छा, उन लोगों ने तीन दिन रख के उसको वापस भेज दिया है। बहुत अफसोस की बात हुई है, बेबो के साथ ऐसे हुआ है, पता नहीं उसके बेचारी के साथ ऐसे क्यों होता है, ये नहीं मुझे समझ। मतलब उसको पता तो चल गया होगा ना कि ये कौन है। बात ये है कि उसके बेचारी के साथ कुछ ना कुछ, ये देखो पहले लगा की मोटरसाइकिल चोरी होगी, फिर गाड़ी चोरी होगी, फिर उसके साथ अपने के साथ हादसा हो गया। तो अभी कोई ना कोई उसका, पहले उसके भाई का पिछले हफ्ते दो हफ्ते उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसका भी पता लेने गई थी। कोई ना कोई बेचारी के साथ हादसा होता रहता है, अल्लाह ताला उसको माफ करे। कोई भी उससे गलती कुताही होगी तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे, माफ करे, और बल्कि हाथ से दे तो कहते हैं कि हाथ से दिया हुआ काम भी आता है। तो जितना दे सकती है दे, और जो खताएं हैं वो अल्लाह ताला माफ कर देगा। गलती इंसान से ही होती है, तो अब पता नहीं क्या मसला है, मगर जिसने भी उसके साथ इस तरह की हरकत की है, उसको उठाया है, तो अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए। आपस में बहन भाई हैं, अगर किसी से कोई गलती होती भी है तो चले माफ कर दिया करें। नहीं, वो बात अभी उसके साथ हो गया, वो तो पहले ही बड़ी रपड़ी है। जैसे वो उसकी सितारा के साथ पहले रफड़ चढ़ रहा था, तो मैंने क्या क्या बीच में रोल किया, बीच में मैंने क्या क्या उसके हस्बैंड के साथ बातें की, ये किया कि ये सितारा के पीछे गालियां ना दे, जा बात ना करे। मैंने ये कहा कि सीधा सीधा ब्लॉग बनाए, तुम्हें क्या करने की जरूरत है। उन लोगों के फिर भी वही रपड़े चलते हैं। वो उसका सलमा का अभी एक दिन, वो सलमा रो रही थी कि मैं अल्लाह के घर में जाके मैं कसम कुरान उठा रही हूँ, मेरी बहन ऐसे है, मेरी बहन ऐसे है। तो इन लोगों की समझ नहीं लगती कि ये लोग किस तरह के हैं, जो अपनी बहनों की नहीं इज्जत, अपने अपनी बहनों की इज्जत नहीं रख सकते, ये कितनी गलत बात है। और नहीं, जो बात हो भी आपस में बहन भाइयों की, तो वो अंदर ही रखनी चाहिए।
मेरे हालांकि एक दिन मेरा बेबो ने बात की, हमारा भी कोई प्लाट का रपड़ा था तो उसने ऐसे बात गोलमोल की है, मेरा नाम नहीं लिया उसने, तो बात उसने गोलमोल की है, ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। ये बात जो जेन्युइन होती करने वाली, मैं तो कहती हूँ कि सामने कर देनी चाहिए, वरना मेरी इतनी घटिया ना सोच है ना मेरी घटिया हरकत है कि मैं किसी को उठाऊंगी जब मैं उसके साथ कोई मसला बनाऊंगी। मेरी इस तरह की मैं किसी के साथ बात भी नहीं करती हूँ। जी बिल्कुल, मैं जो बात करनी होती सीधी बात करनी होती वो आपकी शुरू से आदत है, वो पे करती। जैसे देखो ना कि अभी सतारा के पीछे वो कितनी बातें कर रही थी और मैं बेबो के साथ लड़ाई कर रही थी कि आप क्यों ऐसे कर रही हो कि तुमने सतारा को बेटी कहा हुआ था, अभी आगे ये मसले में। इसलिए ना वो मेरा एक फ्रेंड था तो वो सही बात है कि उसको कहना ना कि किसी को बैन कह दो, वो कहता था मैंने बैन नहीं कहना, क्योंकि कभी भी किसी टाइम किसी के साथ बात हो जाती, मैंने कहना कि किसी को भी बहन या माँ कहना चाहिए, कहता नहीं नहीं ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बात असल में ये है कि जिसको अगर बेटी या बहन या दोस्त कह दो ना तो उसके साथ फिर कोई मसले जो आ भी जाए ना तो बर्दाश्त करने चाहिए, बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। कई लोग बात तो कर लेते तो और हिम्मत नहीं होती, वो सहने की हिम्मत नहीं होती कि हम कैसे सहेंगे। तो जब किसी को बात करना करते है ना तो पहले अपने दिल को हाथ लगाया करो कि हम ये आगे से बंदा जवाब देगा हम भी बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं, हमारे में दिल इतना है या नहीं है। तो अभी उसके साथ वो देखो उसको बेटी कह के उसने उसका माँ बेटी का ऐसे मसला था, वरना वो लोग उसके ऊपर बातें कर रहे थे उसने भी कर दी, वरना मैंने फिर भी उसके साथ इतनी लड़ाई और रपड़ा किया कि नहीं आपका ऐसे बनता नहीं। उन लोगों का वो ही फिर कंजर खाना वो ही चल रहा है, उन लोगों की लड़ाई झगड़े बातें वो ही चल रही है। तो इसका बीच में पता नहीं है कि इसके साथ किसी की क्या दुश्मनी है जो इसके साथ ऐसे कर रहा है। तो मेरे ऊपर लोग बात कर रहे थे, मैं इतनी नहीं हूँ ना, मैं ऐसे करने वाली हूँ, मैं जिसको दोस्त कह देती हूँ ना तो चाहे मेरा दोस्त मेरे साथ ज्यादा कर जाए तो मैं ज्यादा करने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी बेबो हमें बहुत अफसोस हुआ, हमें पता ही नहीं था, मैं बाजी की तरफ आई तो बाजी ने बताया कि बेबो के साथ ये हुआ है। तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। उसके भाई की वो एक्सीडेंट हुआ था, वो ना उसका तीन चार उसकी ना वो हड्डी के ना वो पीछे टूट गई, भाभी है वो बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे इतनी बेचारी परेशानियों में ना बहुत ज्यादा ही, कोई ना कोई उसकी टेंशन खत्म ही नहीं होती, कभी भाभी की होगी भाई पहले अंदर, पता नहीं उसके ऊपर क्या सवाल आया, क्या किसी की नजर ही उसको खा गई, अपने जो है ना वो ही ऐसे करते, कोई किसी को तो जरूरत नहीं होती। असल में जब कोई बुरा करता है ना तो वो अपना ही करता है, दूसरे को क्या तकलीफ, ना कुछ जानता है ना को कोई बात करता है, तो हमेशा अपना जो है ना वो ही टांगे खींचता है बंदे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेबो जी जैसे भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है इंशाल्लाह, अभी मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ, आज ही आप देख रही होंगी आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, आज ईद वाले दिन भी नहीं किया था, आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स होके तो मैं थोड़ा सा तैयार होके बैठी, मैंने कहा चलो बेबो की थोड़ी सी डिस्कस करते हैं बेबो के साथ है। जैसे मैंने फोन किया आपने थोड़ा सा बताया, तो वो भी जल्दी से कह रही थी कि मैंने ना वो जा रही हूँ उसके एक पेपर है वो टाइप कराने हैं तो बंद हो जाएगा, तो मैं उधर जा रही हूँ, पूरी मैं बात भी नहीं सुन रही, तो इंशाल्लाह देखती हूँ मैं दो चार दिन में मैं इस्लामाबाद आती हूँ, अगर अगर आप आ गई तो फिर भी आपसे पूरी कहानी सुनेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह मैं फोन करके आपसे पूरी डिटेल लूंगी, फिर आपके साथ जरूर जो है ना ये बात करूंगी, जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। अभी देखो कि पहले तो मैं बेबो को कोई भी हरकत करती थी मैं बेबो को बंद कर रही थी, अभी मैं बेबो के साथ हूँ, किसी ने भी उसके साथ किया है ना तो हम भी बेबो के साथ है, साथ उसका देंगे, क्योंकि लोग बाज नहीं आते तो ऐसे जो बाज नहीं आते उसके उसको जवाब ईंट का पत्थर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, तो फिर बंदे रुकते जो काम आना चाहिए। बेबो बहुत अच्छी है, हमारे साथ बहुत अच्छी रही है, और बंदा खुशी में ना मगर परेशानी में जरूर उसका साथ देना चाहिए, अच्छे दोस्त की पहचान यही है कि मुश्किल में काम आए। बाजी की आदत तो यह है कि वो अगर किसी को कुछ कहती भी है ना तो बेशक बहनों की तरह बेटियों की तरह समझाती है मगर वो मुंह पे समझा देती हैं, पीछे नहीं कहती, उनकी आदत नहीं है। और जैसे कह रहे कि शमीम साहिबा ने उठाया तो वो ये हरकत कर ही नहीं सकती, वो तो वैसे भी वो बड़ी जान, मुझे उठाने की कौन सी जरूरत है, मैं ऐसे ही उसको बुला लूं घर में आके, मैं उसको बोलूं बंद इधर बंद कर दे बैठ जाओ खाने, हां वो नहीं तो नहीं दोबारा, तो बोलो ऐसे ही इधर ठहर जो 8-10 दिन नहीं जाना, मुझे उठाने की जरूरत नहीं है।
तो बेबो अल्लाह ताला आपकी परेशानियां सब जो है आपकी परेशानियां दूर करे। आमीन। तो हम आपके साथ हैं, आपकी दुआएं अपनी हमारी दुआएं आपके साथ है। हाँ। तो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। हाँ। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे आज, क्योंकि मैं आपको इसलिए बुला भी नहीं रही, कर भी नहीं रही, मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, तो वो भी हम अभी आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। घर में बहुत गेस्ट आए हुए हैं, तो ये भी साथ आपके शेयर करेंगे, ये भी आप लोगों को बता देंगे कि कौन सी पार्टी है। हाँ जी, सरप्राइज है, और वो भी आप लोगों को बताएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल तो वैसे ही संडे है। तो बता ये रहे थे कि मेरे घर में काफी जो गेस्ट आए हुए हैं, मेरी दोस्त से भी आई हुई है, वो रूही तो परसों आई थी, तो ऐसे वापस चली गई। अच्छा। तो आज वो दोस्तें भी आई हुई। आपने रूही को नहीं बताया होगा ना इस पार्टी का? नहीं, उसको नहीं बताया। नहीं तो उसने जाना नहीं था, नहीं था। वो इकरा भी कल जैसे आई ना, वो फिर कहने लगी कि अम्मी मैंने जाना है, उन लोगों ने कुर्बानी कर दी थी आज भी, तो कहती अम्मी हम उधर जाके करेंगे। तो रात को वो चली गई थी, कहती है हम जाके उधर करेंगे, ये दुबा लेके आई थी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला सब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह ताला सबके नसीब में करें, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करें। तो इस दफ़ा बेबो बेचारी ने हर साल देती, इस दफ़ा उसकी हालात कुछ ऐसे हुए हैं वो नहीं दे सकी। अल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकत डाले, अगले साल वो दो दे दे, तो वो तीन दे दे, क्योंकि वो उसका सारा जो है ना ये पैकेज जो कवर हो जाएगा। तो गर्मी भी बहुत शिद्दत की है, अभी हम कहीं जाना भी था वो भी प्रोग्राम बीच में रह गया, और ये जो घर में छोटी सी पार्टी है ये भी साथ रह दी। इसके साथ मैं लोग का मेरे ख्याल, हाँ क्या आप क्या कह रही रीबा, कौन सी पार्टी रखी है? हाँ जी, हाँ तुम्हारी मंगनी की पार्टी रखी है। ये सरप्राइज है, ये पार्टी आप लोगों को नहीं बताया, सिर्फ आप लोगों को, आप लोग इधर आए हैं आप लोगों को बताया नहीं है। हाँ। जब करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हम व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ, जैसे के साथ। हमारा वो शमी फैमिली व्लॉग है, आज पूरी फैमिली आई है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा वो काले पीले चिट्टे सारे बीच में लेंगे, लेके फिर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसके साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, आप देखें तो जरूर शेयर और लाइक करना, क्योंकि मेरा जो है ना चैनल बिल्कुल डाउन चला गया है, बिल्कुल, क्योंकि मैं बनाती नहीं, इसलिए डाउन चला गया। आप जरूर लाइक और शेयर करें, थोड़ा सा मेरे चैनल को बढ़ाएं, मेरी भी थोड़ी सी खुशी और बढ़ जाए। तो इस तरह होता है बंदे के साथ, कभी कभी नहीं जानी क्या नहीं बनाते, तो ऐसे में 10-10 दिन 15-15 दिन बनाती रही, ऐसे मेरा व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा नीचे चला गया। आप लोगों की जरूर जो है ना मेरे साथ शेयर लाइक करना। इसके साथ चलो जी, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।